गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। बच्चों, आज का अपना जो टॉपिक है वो ग्रामर में वोकैबुलरी पोर्शन से साउंड है। साउंड जो टॉपिक है वो आपका चेक करता है, जो भी हम स्पेलिंग वगैरह है उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उन्हें जो पढ़ते हैं स्पीक करते हैं, वो आपका कितना आप अच्छे तरीके से कर पाते हो उसको चेक करने के लिए ये टॉपिक अपना इसमें शामिल किया गया है। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आस्क करते हैं उसमें आपको फोर वर्ड्स दिए होते हैं, फोर अलग अलग जो स्पेलिंग्स वगैरह होती है वो दी जाती है। उन फोर वर्ड्स में वन या टू लेटर को अंडरलाइन किया जाता है, वो वोवल भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, जिनमें आपको उन फोर स्पेलिंग में जहां जहां अंडरलाइन किए हुए लेटर्स होते हैं वहां उन अंडरलाइन लेटर से जो भी साउंड रिलीज होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। उनमें थ्री वर्ड्स में अंडरलाइन लेटर से जो साउंड रिलीज होता है वो सेम होता है, और जो एक जो वर्ड है उससे जो साउंड रिलीज होगा अंडरलाइन लेटर से वो उन थ्री से डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट होता है उसी को अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें अपने को समझने के लिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यदि जो वर्ड्स दिए गए हैं उनमें यदि किसी वोवल को अंडरलाइन किया गया है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में जानते हैं कि फाइव लेटर्स होते हैं वो वोवल्स होते हैं, इन फाइव लेटर्स में से किसी लेटर को यदि अंडरलाइन किया हुआ है तो उससे जो प्रोनाउंसिएशन के दौरान जो साउंड रिलीज होगा वो हिंदी स्वर होंगे। ठीक है, यदि इन वोवल्स को अंडरलाइन किया गया है तो उनसे जो रिलीज होने वाला जो साउंड होगा वो हिंदी स्वर होगा। हिंदी में स्वर जैसे ए, आ, ई, ये साउंड इन वोवल लेटर से रिलीज होता है। और यदि कॉन्सोनेंट को अंडरलाइन किया गया है उस वर्ड में तो उस कंडीशन में हमें केवल साउंड आइडेंटिफाई करना है कॉन्सोनेंट का। हिंदी में जो कॉन्सोनेंट होते हैं से लेके और ग्यारह तक, ये जो भी हिंदी में व्यंजन होते हैं उनका साउंड रिलीज होगा। इसमें कई बार ये कंफ्यूज हो जाती है कि कई बार वहां साउंड का आता है, कि का आता है या गे का आता है या जे का आता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि हमें बालकड़ी के जो अक्षर हैं गे का की या खे का की या गे का की जो भी होते हैं हमें उनमें भी केवल इन लेटर्स को देखना है, इनकी मात्राओं की तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, इन्हें कॉन्सोनेंट में ही शामिल किया जाएगा। कैसे लेके गैर तक सारे हिंदी वाले अक्षर और उनकी जो बार खड़ी है वो कॉन्सोनेंट साउंड ही रिलीज करेगी। तो अब इसको अपन एग्जांपल लेके समझते हैं कि किस प्रकार से इस टॉपिक को समझा जाता है, कैसे इसके क्वेश्चन को क्लियर किया जाता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें फोर वर्ड्स दिए गए हैं, और इन फोर वर्ड्स में जो डबल ओ है उसको अंडरलाइन कर दिया गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन आस्क करेगा कि आपको जो क्वेश्चन में फोर वर्ड्स दिए गए हैं उनमें जो अंडरलाइन लेटर है
उससे रिलीज होने वाले साउंड को आइडेंटिफाई करो, तो कौन से वर्ड में उससे डिफरेंट साउंड रिलीज हो रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करके और अपने आंसर में लिखो। यानी कि थ्री वर्ड्स में सेम साउंड आएगा और एक वर्ड में डिफरेंट साउंड आएगा। जो डिफरेंट साउंड देने वाला वर्ड है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अपन इसको जब पढ़ते हैं, तो अभी जस्ट इसके पहले अपन ने पढ़ा कि यदि वोवल को अंडरलाइन किया गया है तो वोवल साउंड की तरफ ध्यान देना है, ए आ ई ई उ ऊ उनकी तरफ ध्यान देना है। और यदि कॉन्सोनेंट को अंडरलाइन किया हुआ है, कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू, इन फाइव लेटर्स को छोड़ के बाकी के जितने भी रिमेनिंग लेटर्स बच गए हैं इंग्लिश लेटर्स में, वो सारे क्या है, कॉन्सोनेंट। यदि उनको अंडरलाइन किया है तो कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी वाला देखना है, क्या क्या गड़े वाला देखना है। अब यहां अंडरलाइन किसको किया है, ओ चारों में ओपन अंडरलाइन किया गया, इसका मतलब वोवल को अंडरलाइन किया, तो हमें साउंड कौन सा देखना है, वोवल वाला चेक करना है। इसको अपन देखते हैं, तो लिखा लेते हैं, इसको अपन पढ़ते हैं, इसको अपन पढ़ते हैं टू, और इसको अपन पढ़ते हैं स्कूटर। तो देखो ये कॉन्सोनेंट है, इसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। कैप भी हिंदी में कॉन्सोनेंट है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें केवल किसकी तरफ ध्यान देना है कि इस बै के ठीक बाद में कौन सा वोवल साउंड रिलीज हुआ। तो वोवल साउंड कौन सा रिलीज हुआ, ये ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब यहां कौन सा साउंड आ रहा है, ऊ का। तो इसमें ऊ का साउंड रिलीज होता है। लुक में भी किसका साउंड रिलीज हो रहा है, ऊ का। टुक में किसका साउंड रिलीज हो रहा है, ऊ का। जबकि स्कूटर की बात करेंगे तो इसके बड़े ऊ का साउंड रिलीज है। तो हमने पाया कि इन थ्री वर्ड्स में छोटे ऊ का साउंड रिलीज होता है, जबकि जो फोर्थ वर्ड है स्कूटर, उसमें बड़े ऊ का साउंड रिलीज होता है। तो इस ये हमारा आंसर होगा वो क्या रहेगा, डी। इसमें जो डी ऑप्शन पे जो स्पेलिंग दी हुई है उसमें जो अंडरलाइन लेटर है उससे रिलीज होने वाला साउंड बाकी के जो रिमेनिंग थ्री वर्ड्स है उनसे रिलीज होने वाले साउंड से डिफर है, अलग है। ऐसे आप एक और लेना चाहें एग्जाम्पल, जैसे अपना एग्जाम्पल है और सेकंड वर्ड है, थर्ड वर्ड अपना दिया हुआ है केटल और प्लेट, केटल, और फोर्थ वर्ड है ब्लेट। अब इसमें हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें भी जो फोर वर्ड्स हमें दिए गए हैं उनमें अंडरलाइन किसको किया हुआ है, एक को। चारों में किसको अंडरलाइन किए गए, एक क्या है, वोवल है। तो वोवल से कौन सा साउंड रिलीज होना चाहिए, हिंदी वाले वोवल। हिंदी के वोवल कौन से होते हैं, ए आ ई, तो इसको पहचानेंगे। इसको आप क्या पढ़ोगे, फार्मर। क्या पढ़ोगे, फार्मर। हमें आगे नहीं जाना है, यही देखना है कि फाइव ब्रैकेट में कौन सा स्वर आ रहा है, फार। तो आप इसको लिखो फार। तो फ तो कॉन्सोनेंट है, रे भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन आ का साउंड रिलीज हुआ। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें ए से कौन सा साउंड रिलीज हुआ, आ का। इसको हम पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे, हैप्पी। तो हैप्पी में किसका साउंड रिलीज हुआ, ए का। हैप्पी में किसका साउंड रिलीज हुआ, ए का। इसको क्या पढ़ोगे, केटल। तो केटल में किसका साउंड रिलीज हो रहा है, ए का। ग्लेड, ग्लेड में किसका साउंड रिलीज हो रहा है, ए का। तो आप क्या पाओगे कि हैप्पी, केटल और ग्लेड इन फोर वर्ड में से, इन थ्री वर्ड्स में ए जो अंडरलाइन लेटर है उससे ए का साउंड रिलीज हो रहा है, जबकि जो फर्स्ट वर्ड है फार्मर उसमें ए से जो साउंड रिलीज हो रहा है वो किसका हो रहा है, आ का साउंड रिलीज हो रहा है। पर हमारा प्रश्न यही है कि जो डिफरेंट साउंड रिलीज हो रहा है उसको आप आइडेंटिफाई करके लिखो। तो इसमें फार्मर अपना ऑप्शन हो गया कौन सा, ए। आपका आंसर क्या रहेगा कि ए ऑप्शन पर जो वर्ड है उसमें अंडरलाइन लेटर से डिफरेंट साउंड रिलीज हो रहा है। अब हमें एक कॉन्सोनेंट का लेके देखते हैं एग्जांपल कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनसे किस प्रकार से साउंड रिलीज होता है, तो उसमें अपन लेके देखते हैं। फीदर, थिंक, बर्ड, हेल्थ। थिंक, बर्ड और
और वर्ड्स में अपन देखते हैं तो th, इसमें भी th, इसमें भी th और इसमें भी th, मतलब t और h दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो फोर वर्ड्स दिए हैं और उन चारों वर्ड्स में जो कॉन्सोनेंट लेटर है th, उनको अंडरलाइन किया गया है। अब हमें इनमें डिफरेंट साउंड को पहचानना है, तो आप इसको क्या लिखोगे, फीदर, ये इससे क्या मिली हुआ फी, और टी एस से क्या मिली हुआ दे, यानी कि यहाँ इस टी एस से क्या मिली हुआ दे। थिंक की बात करोगे, ये थिंक है आपका, इसमें मैंने कहा कि आपको मात्रा नहीं देखनी है, वहां कॉन्सोनेंट कौन सा मिली हुआ है, कॉन्सोनेंट वाले में वो देखना है, ये ई की मात्रा नहीं देखनी, टी एस में क्या मिली हुआ है, तो यहां पर इसे क्या मिली हुआ हेल्थ में, हेल्थ में बर्थ में, बर्थ कैसे तो लिखते हो आप, बर्थ में भी क्या आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ऑप्शन बी सी और डी में जो वर्ड दिए गए हैं उनमें जो अंडरलाइन लेटर है टी है, उनसे थर्मस वाला जो कॉन्सोनेंट है उसका साउंड रिलीज हो रहा है, जबकि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें टी एस से दर्द आवाज वाला साउंड रिलीज हो रहा है। तो डिफरेंट कौन सा हो गया, ए वाला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल लेना था, फर्स्ट वर्ड है दिस और सेकंड वर्ड है दैट, थर्ड वर्ड है डियर और फोर्थ वर्ड है, ठीक है। अब आप इसको देखो कि फर्स्ट टीएच उसमें साउंड कौन सा यूज हो रहा है, आप ऐसे लिखते हो दिस, तो दिस में दैट, दैट ऐसे लिखते हैं इसमें दियर, लिखते हैं दियर में भी दर, और थैंक कैसे लिखते हैं, तो उसमें थैंक का साउंड भी, तो आप आओगे कि स्टार्टिंग के जो थ्री वर्ड्स हैं ए बी और सी ऑप्शन पर दिस दैट और दियर, उनमें टी एस से तो साउंड भी हो रहा है, किसका हो रहा है दर आवाज वाला हो रहा है, जबकि फोर्थ वाले में टी एस से है दरवाजा वाला साउंड भी हो रहा है, तो आपका डिफरेंट साउंड रिलीज होने वाला वर्ड कौन सा हो गया, डी ऑप्शन वाला हो गया। इस प्रकार से ये जो वोकैबुलरी में अपना साउंड वर्ड टॉपिक है वो अपने को ये चेक कर रहा है कि आपका स्पेलिंग को स्पीक करने का या उसका प्रोनाउंसिएशन करने का जो मेथड है वो आपका कितना सही है। यदि आप स्पेलिंग को अच्छे से पढ़ना आता है आपको, तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है। केवल इसमें दो बातें हैं, उनको बेसिकली बस ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट, सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी हमें फोर वर्ड्स दिए गए हैं उसमें अंडरलाइन किसको किया गया है, यदि अंडरलाइन किसको किया गया है वोवल को, ए ई आई ओ और यू, यदि किसी वोवल को अंडरलाइन किया गया है तो आपका ध्यान केवल और केवल यह रहना चाहिए कि जहां अंडरलाइन लेटर है वो वोवल, उस जगह पर कौन सा वोवल साउंड रिलीज होता है, वोवल साउंड कौन सा, हिंदी वाला ए आ ई ई, उनमें से कौन सा साउंड वहां रिलीज हो रहा है उसको आपको अच्छे से पहचानना है, और यदि अंडरलाइन लेटर क्या है कॉन्सोनेंट, तो आपका ध्यान उस जगह ये रहना चाहिए कि अंडरलाइन जो कॉन्सोनेंट लेटर है उससे कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड रिलीज हो रहा है, क्या क्या करने वाले हैं, कैसे लेके गियर तक कौन सा साउंड रिलीज हुआ है, बस उस चीज को अपने को ध्यान में रखना है और अच्छे से स्पेलिंग को प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। उस कंडीशन में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी स्पेलिंग में या कौन से वर्ड में अंडरलाइन लेटर से डिफरेंट साउंड रिलीज हो रहा है। बहुत इजी टॉपिक है, प्रैक्टिस करने पर ये और अच्छे से क्लियर होता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा ये अपने को और अच्छे से आगे बढ़ता है। तो इसकी एक्सरसाइज है वो आपको होमवर्क के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो कि आपको सॉल्व करके देखनी है और खुद को आइडेंटिफाई करके देखना है कि क्या वास्तव में ये साउंड है जो टॉपिक है इसमें जो वर्ड दिए जाते हैं उनमें ऐसा कोई डिफरेंट वर्ड मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन कल और ऐसा एक इजी सा टॉपिक लेके आएंगे जिसमें आसानी से अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज को और अच्छे से समझ में भी आ जाए। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।